मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। महज कुछ दिनों का वक्त बचा होने से आलोट विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी तो दूसरी ओर बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं एवं आम जन से मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कल प्रेमचंद गुड्डू ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने शाल श्रीफल एवं साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया, जिसमें बड़ी संख्या में गुड्डू के साथ कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान हमारे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल के रिपोर्टर पवन धाकड़ ने प्रेमचंद गुड्डू से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अगर आलोट विधानसभा से मुझे जीत प्राप्त होती है तो मैं रुके हुए सारे कार्यों को पुनः प्रारंभ करूंगा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, फलो उद्यान को लेकर भी एक नई पहल करूंगा, जिससे बेरोजगार को रोजगार मिल सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। नमस्कार, मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद है आलोट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में। यहां माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय जी तो कांग्रेस से मनोज जी चावला, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद प्रेमचंद जी गुड्डू मैदान में उतरे। वे इस वक्त हमारे साथ है, हम आइए सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता है और क्या आप किन चीज़ों को लेकर आप मैदान में उतरे? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस क्षेत्र के विकास की है। जो पिछले समय चिंतामणि मालवीय जी सांसद रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान विधायक मनोज चावला हैं, उनने भी इस क्षेत्र में विकास को गति नहीं दी है। तो मुझे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कहा, ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस के लिए सभी लोग गए भी, कमलनाथ जी के पास भी गए, दिल्ली भी गए, भोपाल में भी बार बार निवेदन करते रहे, लेकिन उनने कांग्रेस का सिंबल और कांग्रेस का टिकट नहीं दिया। अब सभी लोगों की इच्छा है, उनके अनुरूप मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता है यहाँ पे बेरोजगारों को काम मिले, यहाँ पे फल उद्यानों में बहुत विकास की संभावना है। जो फल यहाँ से बनते हैं उनके प्रोसेसिंग हो, उसमें हमारे नौजवानों को काम मिले, माता बहनों को काम मिले। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रहेगी कि किसानों को राहत मिले। वही अगर बात करें तो रोजगार को लेकर क्या कुछ रहेगा और किन किन चीज़ों पर आपका पार्टी में आने के बाद आप सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? मैंने बताया आपको कि मेरी प्राथमिकता इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल क्षेत्र है। हम लोग आलोड़ से ऊपर जाते हैं कलसिया, वहाँ पे बड़ी 5,000 हेक्टर जमीन है जो शासकीय है, उस पर सीमेंट का कारखाना लगने की संभावना है। क्योंकि आलोड़ क्षेत्र से डायरेक्ट बॉम्बे दिल्ली का कनेक्शन है, भुवनेश्वर का है, बेंगलोर का है, मद्रास का है, तो वहाँ पे बड़ी फैक्ट्री लग सकती थी। हमने लोकसभा के टाइम पे ये प्रयास किया था, उसकी ज़मीन की भी जांच हो गई थी, लेकिन वर्तमान में जो सांसद बने उनने उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत बड़ा वहाँ पे स्कोप था काम का, नौजवानों को काम मिलता, लेकिन वहाँ पे तमाम सारे ट्रांसपोर्ट से लेके ड्राइवर से लेके तमाम लोगों को रोजगार, होटलों से लेके सब चीज़ें मिलती। उसी तरीके से इस क्षेत्र में हमारा जो बड़ौदा सेक्टर है, नया जुड़ा है, इसके अंदर वही फल उद्यान, यहाँ पे मौसमी संतरा और आंवले से लेके तमाम सारे वो लगते हैं। तो यहाँ पे छोटी जो फैक्ट्री हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो हो सकती है, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, यहाँ के किसानों को खेती के अलावा इसमें भी मदद मिलेगी। आलोट विधानसभा में अगर वही बात करें तो शिक्षा को लेकर काफी बातें कही गई है, लेकिन धरातल पर वो उतरी नहीं है, क्या आप आपकी प्राथमिकता शिक्षा को लेकर भी रहेगी? मैं रहा तो कॉलेज मेरे कार्यकाल में खुला, मैं था तो इसी सादाखेड़ी में जहाँ हम बैठे हैं आज से 12-13 साल पहले कंप्यूटर की व्यवस्था मैंने हमारे सरपंच थे प्रभुलाल जी, जो बड़े हमारे दबंग नेता थे और इस क्षेत्र के विकास में उनकी गहरी रुचि रहती थी, तो इस तरीके से हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य तो सर्वोच्च प्राथमिकता।
सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।